सीआरपीसी एंड भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के इस कॉम्पेरेटिव लेक्चर सीरीज में आज हम बात करेंगे सेक्शन 156 ऑफ सीआरपीसी और सेक्शन 175 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि सेक्शन 175 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता हमारे सीआरपीसी का सेक्शन 156 है? करेंटली वी आर डीलिंग विथ चैप्टर 13 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के चैप्टर 13 से डील कर रहे हैं, जो कि बात करता है इंफॉर्मेशन टू पुलिस एंड देयर पावर्स टू इन्वेस्टिगेट और इसमें जो सेक्शंस हैं वो हैं सेक्शन 173 टू सेक्शन 196। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का ये पर्टिकुलर चैप्टर हमारे सीआरपीसी के चैप्टर 12 के कॉरेस्पॉन्डेंस में है। चैप्टर 12 ऑफ सीआरपीसी वाज बेसिकली डीलिंग विथ द प्रोविजंस रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन टू पुलिस एंड देयर पावर्स टू इन्वेस्टिगेट। और जो सेक्शंस हम पढ़ा करते थे सीआरपीसी में, इस चैप्टर के अंतर्गत वो सेक्शंस थे सेक्शन 154 टू सेक्शन 176। राइट, सेक्शन 154 ऑफ सीआरपीसी बात करता है इंफॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल केसेस, यानी संज्ञेय मामलों में इत्तिला किसे? पुलिस को। वहीं अब हमारे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का सेक्शन 173 बात करता है इंफॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल केसेस के बारे में। सो इन आवर फर्स्ट क्लास हमने सेक्शन 154 ऑफ सीआरपीसी एज वेल एज सेक्शन 173 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के बारे में कॉम्पेरेटिव स्टडी किया और हमने एफआईआर से जुड़े प्रोविजंस के बारे में बात किया, क्योंकि हम जानते हैं कि ना तो सीआरपीसी में कहीं एफआईआर को डिफाइन किया गया था और ना ही भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में ही एफआईआर को कहीं डिफाइन किया गया है। हाँ, इसमें कुछ नए प्रोविजंस ऐड किए गए हैं, तो उन प्रोविजंस को जब हमने सेक्शन 173 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता को देखा तो वहां हमने डिटेल में बात किया। अपने सेकेंड क्लास में हमने बात किया सेक्शन 155 ऑफ सीआरपीसी एज वेल एज सेक्शन 174 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। सेक्शन 155 ऑफ सीआरपीसी क्या कहता है? इंफॉर्मेशन इन नॉन कॉग्निजेबल केसेस एंड इन्वेस्टिगेशन इन सच केसेस, यानी असंगे मामलों के बारे में पुलिस को सूचना और फिर किस तरह से पुलिस असंगे मामलों में इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है, क्या पावर है पुलिस को रिगार्डिंग इन्वेस्टिगेशन ऑफ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, उसे हमने पढ़ा। और इसी के साथ साथ हमने सेक्शन 174 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता को कवर किया, क्योंकि सेक्शन 174 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता किसका कॉरेस्पॉन्डिंग सेक्शन है? तो सेक्शन 155 ऑफ सीआरपीसी का कॉरेस्पॉन्डिंग सेक्शन है। तो इसमें भी हमने जाना कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के केस में इन्वेस्टिगेशन किस तरह से होगा, क्या नया प्रोविजन हमारे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में ऐड किया गया है, उसे भी हमने कवर किया
but it is detailed way, right? Now, so we have completed section 154 as well as section 173 of BNSS, right? हमने सेक्शन 155 ऑफ सीआरपीसी कवर किया जो कि बीएनएसएस का सेक्शन 174 है। इस वीडियो में हम बात करेंगे सेक्शन 156 ऑफ सीआरपीसी के बारे में जो कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का अब कौन सा सेक्शन हो गया है, तो ये हो गया है सेक्शन 175। सो इन दिस वीडियो we are going to attend a comparative lecture between section 156 of CRPC and section 175 of Bharatiya Nagrik Suraksha Samhita. सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे CRPC का section 156 क्या कहता था। तो CRPC का section 156 कहता था, police officers power to investigate cognizable case, police officers power to investigate cognizable case, यानी किसी संज्ञेय मामलों में इन्वेस्टिगेशन को लेकर के पुलिस ऑफिसर के पास क्या पावर है, तो उससे सेक्शन 156 ऑफ सीआरपीसी डील करता था। अब ये सेक्शन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का सेक्शन 175 हो गया है, विच टॉक्स अबाउट पुलिस ऑफिसर्स पावर टू इन्वेस्टिगेट कॉग्निजेबल केसेस, राइट। चलिए सबसे पहले हम सीआरपीसी के सेक्शन 156 को पढ़ेंगे, उसके बाद हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के सेक्शन 175 को कवर करेंगे और साथ ही ये समझेंगे कि किस नए प्रोविजन को ऐड किया गया, राइट। तो सेक्शन 156 ऑफ सीआरपीसी का सब सेक्शन 1 कहता है, एनी ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन में विदाउट द ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट, यानी थाने के भार साधक अधिकारी के पास ये पावर है कि वो संज्ञेय अपराध के लिए या संज्ञेय मामलों में मजिस्ट्रेट के बिना ऑर्डर के इन्वेस्टिगेट एनी कॉग्निजेबल केस, किसी संज्ञेय मामले में इन्वेस्टिगेशन थाने का कोई ऑफिसर इंचार्ज मजिस्ट्रेट के वारंट के बिना या मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बिना इन्वेस्टिगेशन शुरू कर सकता है कॉग्निजेबल केसेस में, विच अ कोर्ट हैविंग जुरिसडिक्शन ओवर द लोकल एरिया विद इन द लिमिट्स ऑफ सच स्टेशन वुड हैव पावर टू इंक्वायर इनटू और ट्राई अंडर द प्रोविजंस ऑफ चैप्टर 13, कह रहा है उस मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बिना या बिना वारंट के ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन कॉग्निजेबल केसेस में इन्वेस्टिगेशन शुरू कर सकता है जिस मजिस्ट्रेट के जुरिस्डिक्शन के अंडर वो पुलिस स्टेशन आता है या जिस मजिस्ट्रेट के पास पावर है उस केस में इंक्वायरी करने का या उस केस में ट्रायल शुरू करने का, उस मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बिना भी कॉग्निजेबल केसेस में ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट कर सकता है। या कह रहा है कि उस मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बिना या बिना वारंट के ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन इन्वेस्टिगेशन शुरू कर सकता है जिस मजिस्ट्रेट के पास पावर है अंडर चैप्टर 13 ऑफ सीआरपीसी उस केस के ट्रायल को शुरू करने का, राइट। तो चैप्टर 13 ऑफ सीआरपीसी क्या कहता था, जुरिस्डिक्शन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स इन इंक्वायरीज एंड ट्रायल्स, जुरिस्डिक्शन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स इन
इंक्वायरीज एंड ट्रायल्स। तो यानी सीआरपीसी के इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंतर्गत जिस मजिस्ट्रेट के पास पावर है कि वो उस संज्ञेय मामले में इंक्वायरी या ट्रायल कंडक्ट कर सकता है, उस मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बिना सेक्शन 156 सब सेक्शन 1 ऑफ सीआरपीसी ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को पावर देता है कि उसके मर्जी के बिना या उसके ऑर्डर के बिना भी आप कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में इन्वेस्टिगेशन शुरू कर सकते हो। अच्छा, अब ये जो चैप्टर हो गया है, चूंकि सीआरपीसी रिपील हो चुका है, तो ये जो चैप्टर हो गया है वो हो गया है चैप्टर 14 ऑफ बीएनएसएस, राइट। दूसरा सेक्शन 156 सब सेक्शन 2 क्या कहता था? नो प्रोसीडिंग्स ऑफ पुलिस ऑफिसर इन एनी सच केस शैल एट एनी स्टेज बी कॉल्ड इन क्वेश्चन ऑन द ग्राउंड दैट द केस वाज वन व्हिच सच ऑफिसर वाज नॉट एम्पावर्ड अंडर दिस सेक्शन टू इन्वेस्टिगेट। और अगर कोई ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया था और उसने कुछ हद तक प्रोसीडिंग्स शुरू भी कर दी थी, तो उसके इन्वेस्टिगेशन के किसी भी स्टेज पर आप उसके इन्वेस्टिगेशन को ये कहते हुए चैलेंज नहीं कर सकते हो कि वो ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन इस सेक्शन के अंतर्गत एम्पावर्ड नहीं था, उसके पास अथॉरिटी नहीं था इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करने का। यानी अगर ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन के द्वारा इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया गया है, तो उसके जो भी आउटकम रहे, उन आउटकम को आप किसी भी तरह से चैलेंज नहीं कर सकते हो, या उन आउटकम पर आप किसी तरह से क्वेश्चन मार्क नहीं उठा सकते। सबसेक्शन 3 क्या कहता है? सेक्शन 156 का सबसेक्शन 3 क्या कहता है कि एनी मजिस्ट्रेट एम्पावर्ड अंडर सेक्शन 190 may order such an investigation, right? अब देखिए, उसी मजिस्ट्रेट के बारे में बात किया जा रहा है जिसके पास पावर है अंडर चैप्टर 13 ऑफ सीआरपीसी, यानी जिसके पास पावर है अंडर चैप्टर 13 ऑफ सीआरपीसी, यानी जुरिसडिक्शन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स इन इंक्वायरीज एंड ट्रायल्स, राइट। अब अगर हम प्रैक्टिकल बात करें तो देखो, हमने देखा था कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के केसेस में पुलिस ऑफिसर के पास पावर नहीं होता है कि वो इन्वेस्टिगेशन खुद से शुरू कर सके, वो इन्फॉर्मेंट को रेफर करता है कि आप मजिस्ट्रेट के पास जाइए, उस मजिस्ट्रेट के पास जाइए जिस मजिस्ट्रेट के जुरिसडिक्शन में ये एरिया आता है जहां नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस घटित हुआ, उस मजिस्ट्रेट से आप ऑर्डर करा लाओ इन्वेस्टिगेशन शुरू कराने का, और अगर हमें वो ऑर्डर रिसीव हो जाता है तो हम इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देंगे। हम खुद से इन्वेस्टिगेशन नहीं शुरू कर सकते हैं नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में, क्यों? क्योंकि हमारे पास कोई अथॉरिटी नहीं, राइट। लेकिन अब होता क्या है कि जब हमने सेक्शन 173 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता देखा और उसमें जब हमने एफआईआर के प्रोविजंस को पढ़ा, तो जो अग्रीव पार्टी है उसे कुछ राइट्स मिले हुए हैं कि इन केस मान लीजिए जो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन है वो आपका एफआईआर रजिस्टर नहीं कर रहा है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो? बाय पोस्ट रिटन लेटर सेंड कर सकते हो एसपी को, और अगर एसपी साहब को ऐसा लगता है कि हाँ कॉग्निजेबल ऑफेंस घटित हुआ है और संज्ञान लेना चाहिए, तो वो खुद से संज्ञान ले सकते हैं और इन्वेस्टिगेशन शुरू कर सकते हैं, या नहीं तो अपने किसी ऑफिसर को डायरेक्ट कर सकते हैं कि आप इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दीजिए। फिर हमने ये भी देखा कि अंडर सेक्शन 173 सब सेक्शन 4 हमने ये भी देखा कि अगर वहां से भी अग्रिम पार्टी को कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, तो सेक्शन 173 सब सेक्शन 4 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत वो एक कंप्लेंट फाइल कर सकता है बिफोर मजिस्ट्रेट अलोंग विथ एफिडेविट शपथ पत्र के साथ।
तो किस मजिस्ट्रेट को देगा? उस मजिस्ट्रेट को देगा जिस मजिस्ट्रेट के पास पावर होगा, जिस मजिस्ट्रेट के पास ज्यूरिसडिक्शन होगा उस पर्टिकुलर ऑफेंस को कॉग्निजेंस में लेने का, राइट? तो ये जो लास्ट सब सेक्शन है, सेक्शन 156 का सब सेक्शन 3, जिसे अभी हमने पढ़ा कि एनी मजिस्ट्रेट एम्पावर्ड अंडर सब अंडर सेक्शन 190 में ऑर्डर सच एन इन्वेस्टिगेशन, यानी संघीय मामलों में वो मजिस्ट्रेट जिसके पास पावर है सेक्शन 190 ऑफ सीआरपीसी के तहत कि वो कॉग्निजेंस ले सकता है, वही मजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर कर देगा किसको? पुलिस स्टेशन को, कि आप इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दीजिए, राइट? यानी सेक्शन 173 के सब सेक्शन 4 में जब आपने मजिस्ट्रेट के सामने कंप्लेंट फाइल किया अलोंग विद एफिडेविट, तो वो मजिस्ट्रेट जिसके पास पावर है अपराधों का संज्ञान लेने का, तो सेक्शन 190 ऑफ सीआरपीसी बेसिकली बात करता था कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस बाय मजिस्ट्रेट। अब ये सेक्शन 210 हो गया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का। तो हम ये कह सकते हैं कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के सेक्शन 210 के तहत वो मजिस्ट्रेट जिसके पास पावर है टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस, वो मजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर कर सकता है अंडर सेक्शन व्हाट? अंडर सेक्शन 175 सबसेक्शन 3, राइट? तो इतने प्रोविजंस थे हमारे सीआरपीसी में अंडर सेक्शन 156 ऑफ सीआरपीसी, जो कि बेसिकली बात करता है पुलिस ऑफिसर्स पावर टू इन्वेस्टिगेट कॉग्निजेबल केसेस, राइट?